आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 के सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबले जारी हैं। अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए और सबसे ज़्यादा विकेटें किसने उड़ाई हैं, मुकम्मल तफसील देंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 के 31 मैचेस खेले जा चुके हैं। अगर हम बात करें टॉप 10 रन स्कोरर के बारे में, तो टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जोस बटलर, जो कि इंग्लैंड के ओपनर और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। जोस बटलर ने 4 मैचेस में 214 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 4 मैचेस में 199। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने 4 मैचेस में 198। चौथे नंबर पर हैं डेविड वेसा, जिन्होंने 6 मैचेस में 185। पांचवें नंबर पर हैं पूथम निशंका, जिन्होंने 7 मैचेस में 170। छठे नंबर पर हैं चैरित असलंका, जिन्होंने 5 मैचेस में 163। सातवें नंबर पर हैं मोहम्मद नईम, जिन्होंने 6 मैचेस में 157। आठवें नंबर पर हैं बनुका राजपक्षा, जिन्होंने 7 मैचेस में 155। नौवें नंबर पर हैं महमूदुल्ला रिया, जिन्होंने 7 मैचेस में 153। दसवें नंबर पर हैं मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने 7 मैचेस में सबसे ज्यादा 143 रन बनाए हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप 2021 में छक्के किसने लगाए हैं, तो जोस बटलर ने ही टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 4 मैचेस में 12 छक्के लगाए, जबकि नामीबिया के डेविड विसन ने 6 मैचेस में 10, चैरित असलंका बनुका राजपक्षा ने 8-8 छक्के लगाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने सिर्फ 2 इनिंग में 17 गेंदों पर 7 छक्के लगा चुके हैं। अगर हम बात करें कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 के टॉप विकेट टेकर कौन है, तो वनिंदु असरंगा, जो कि श्रीलंका के स्पिन बॉलर है, वो सबसे ज़्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं। वनिंदु असरंगा ने 7 मैचेज में 14, शाकिब अल हसन ने 6 मैचेज में 11, जोश देवी ने 5 मैचेज में 9, एंड्रे नॉटन ने 4 मैचेस में 8, महेश थिक्षण ने 6 मैचेस में 8, जॉन फ्राईलेक ने 6 मैचेस में 8, जबकि मेहदी हसन ने 7 मैचेस में 8, मुस्तफिजुर रहमान ने 6 मैचेस में 8, लहीरू कुमार ने 7 मैचेस में 8 और राशिद खान ने 3 मैचेस में सबसे ज़्यादा 7 विकेट हासिल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी।